जैसे हम लोग जैसे कुछ हम जैसे कुछ भी करने बैठते हैं, जैसे पहली बार में हम कुछ भी सोचते हैं ना, तो मतलब हमारे सामने से कुछ सही मान लो गाड़ी निकली, और अगर हम वही बात अगर 2 या 3 बार सोच लें खुद से, तो चौथी बार वो खुद से एकदम दिमाग में, मतलब अगर वो हमने इंटेंशनली अपने मन से जानबूझ के वो काम किया, मतलब हम उसमें बेसिकली इन्वॉल्व हुए एक तरह से, तो मतलब कभी लौट के कभी जाओगे तो दिमाग में एकदम एकदम आया था, जबकि तुम नॉर्मल जा रहे हो, अगर तुमने हाँ देख लिया सोचा नहीं तो वो फिर मतलब उसका कोई वो नहीं रहा था। अगर सामने से कुछ भी निकला तुमने हाँ देखा और तुमने मतलब एक बार जैसे निकला उतना ही सोचा इतना तुमने देखा, और अगर यही अगर तुमने जैसे उसके जाने के बाद तुमने एक दो बार सोच लिया तो तुम्हारे मन में एक वो रहता है कि तुम जो तुम सोचते हो उसे जानबूझ के सोचते हो। नहीं, जैसे हम कोई काम तुम कर भी रहे हो तो अगर तुमने वो 2-3 बार खुद को मतलब फोर्स कर लिया उस काम करने के लिए, क्यों फोर्स कर लिया? फोर्स करना भी तो एक विचार है। वो विचार क्या तुमने जानबूझ के बुलाया था? विचार करना है मुझे, ये भी तो एक विचार है। ये विचार क्या तुम खुद बुलाते हो या ये स्वयं आता है? उसे बुलाने का विचार तुम्हारा है या वो स्वयं आता है? नहीं पहली बार क्या दो बार में खुद से मतलब मुझे सोचना है, ये क्या है? तुम ये तो कह रहे हो कि मैंने सोच के सोचा, पर जिस सोच ने तुमसे कहा सोचो, क्या तुमने उस सोच को भी पहले सोचा था? ये सब कोई तुम्हारे नियंत्रण की चीजें नहीं होती हैं। तुम जिस केंद्र पर बैठे हो वही केंद्र विचार बन के फैलता है, और फिर आगे और जब फैलता है तो कर्म बन के दिखाई देता है। ये कोई तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उसे बदल डालोगे। तुम जो हो, तुम्हारा होना ही तुम्हारा विचार बन के सामने आ जाता है। तो विचार को बदलने की बात मत करो, स्वयं को बदलने की बात करो। स्वयं को बचाए रह गए, मात्र विचार को बदल दिया तो बात नहीं बनेगी। इसमें आपने एक उत्सुकता वाला बोला था बच्चों के लिए, पता नहीं खुद मेरा भी काफ़ी हद तक उत्सुकता वाला रहता है, तो नेचुरली एनालिसिस में चला जाता है हर चीज़ में। मैं अभी बात भी कर रहा था अनु से, कुछ भी जाता है इसके एनालिसिस, ये कैसे हुआ, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, वो एक प्रोसेस बनाने की कोशिश करता है दिमाग अपने आप। अब वो उस लॉजिक में फिट हो जाता है, अगर उस लॉजिक में फिट हो जाता है तो सही शायद लगता है, और नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देता है। अदरवाइज उसको रिजेक्शन भी हो गया तो उसको लूप बना के थॉट्स की फॉर्म में घुमाता रहता है और अननेसेसरी चलते रहते हैं। हम दो में चाह नहीं रहा था एनालिसिस फॉर्म में कन्वर्ट करना, आई मीन इंटेंशनली। अब इसका सोल्यूशन तो होगा ना कोई कि हम अपने आप को बदलें। अब वो बदलना कैसे, अब मैं चाह रहा हूँ मैं एनालिसिस ना करूँ, बट अननेसेसरी वो एक्स्ट्रा बदलना थॉट्स में कैसे कन्वर्ट है, हो गए। ये मैं पिछले 15 मिनट में ही इसका जवाब दे चुका हूँ। जिस चीज़ को तुम देख लेते हो वो स्वतः बदल जाती है, तुम्हें नहीं बदलना पड़ेगा। तुमने उसकी करतूत देख ली, तुमने उसकी पूरी विधि देख ली, वो स्वयं बदल जाती है, हट जाती है। ये तो मुझे पता है, जैसे मैंने देख भी लिया। अब इसका और भी कुछ रहता है क्या, मानसिक स्तर पर देखा है, अंदर तक नहीं देखा है ऐसा कुछ? देखने का अर्थ होता है, ये भी मैंने बोला है, जब घटना घट रही है ठीक तभी देख लिया। बाद में तुम उसका विश्लेषण करोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ये ऐसी सी बात है कि हाथी निकल गया है और अब तुम हाथी खोज रहे हो। वो जब सामने है तब देख लो ना जो देखना है। अब वो निकल गया है, पीछे से तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, 4 पांव थे कि 2 सूंड थी, क्या था। जब समक्ष है तब देखो उसको। और फिर जब तुम में इतनी ही जागरूकता नहीं थी,
कि सामने की चीज को देख पाते, तो इतनी कहां से ले आए कि गुजरी हुई चीज को देख रहे हो? सामने वाला हाथी नहीं देख पाए, तुम ही थे ना, और अब तुम ही कहते हो कि वो गुजर गया है, पीछे से हम विश्लेषण करेंगे। अगर विश्लेषण करने के लिए इतनी चेतना तुम्हें उपलब्ध ही होती, तो उसी चेतना का प्रयोग करके तुमने साक्षात हाथी ना देख लिया होता? यही मैं सुबह कहता हूँ, उस टाइम नहीं पता लगता, बाद में थॉट्स के फॉर्म में, बाद में कुछ नहीं पता चल सकता। जिन्हें पता लगा है उन्हें तभी पता लगा है। बाद में तुम सिर्फ छवियों से खेलते हो और अपना मनोरंजन करते हो, और बाद में खेलना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि जब हाथी सामने है तब तुम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तब तुम उसके साथ छूट नहीं ले सकते, तब तुम अपने आप को ये कहने का दुस्साहस नहीं कर सकते कि हाथी के आठ पांव होते हैं। अब चला गया है हाथी, अब तुम आठ पांव वाला हाथी रच लो, छह पूंछ वाला और तीन सूंड वाला हाथी रच लो। अब तुम अपने मनोनुसार, बल्कि अपने मनोविकारों के अनुसार जो चाहो वो रच लो। जब सामने है तब तो तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, जब सामने है तब तो तुम्हें तथ्य का गुलाम बनना पड़ेगा। अहंकार को तथ्य की गुलामी अच्छी नहीं लगती, तो कहता है तथ्य को तो बीत जाने दो, बाद में हम कहानी खड़ी करेंगे, क्योंकि तथ्य सामने है और तब कहानी खड़ी करी तो कहानी कैसी हो जाएगी? झूठी। तो पहले तो जरा बीतने दो मामला। अब चला गया ना हाथी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है ना, अब कोई हाथी को ला करके गवाही नहीं दे सकता कि हमारी कहानी झूठी है। अब हम कहानी खड़ी करेंगे कि हाथी आया था, उसकी नाक पर चूहा बैठा था, और अगर कोई आए चुनौती देने तो हम उससे कहेंगे हम जो कह रहे हैं ठीक है, और झूठ इसे प्रमाणित कर सकते हो तो करके दिखाओ। वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि हाथी तो गया। जानना समझना तत्काल है, जब चीज सामने है तब जान समझ लो, नहीं तो बाद में सिर्फ सपनों से, झूठों से, किस्सों से खेलोगे, वो कोई विश्लेषण नहीं होता, वो प्रक्षेपण होता है, अपनी ही वृत्ति प्रक्षेपित की जा रही है। विश्लेषण क्या है उसमें? मैं भी कुछ कह रहा हूं, उसको सुनने का क्या तात्पर्य है? बस सुन लो। न सुनने का क्या तात्पर्य है? कि बोल तो मैं रहा हूं और तुम्हारे भीतर पांच सात और बैठे हैं जो बोले जा रहे हैं, तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। ठीक वैसे जैसे मुझे अभी सुन रहे हो, वैसे ही हाथी को देखा जाता है जब वो समक्ष होता है। और गौर करना कि अगर अभी सुन नहीं रहे हो तो तुम ये नहीं स्वीकारोगे कि तुमने सुना नहीं। जानते हो मन क्या करता है? मैंने कहा कख गघ अंगा, तुम अपने में खोए हो, तुमने सुना क और अंग। अच्छा, तुम ये नहीं कहोगे कि बीच का मैंने सुना नहीं, क्योंकि वो कहने में तुम्हारी हेठ ही होती है। तुम बीच की कहानी खुद भरोगे, तुम कहोगे इन्होंने कहा क, आजा मेरे साथ अंगा। इसीलिए जब चीज सामने हो तब सुन लो, अन्यथा बाद में तुम बस स्वयं को ही सुन रहे होगे, मुझे नहीं सुन रहे होगे, आत्मसंवाद कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो बहुत सारे तुम बैठे हैं, तुम उन्हीं से चर्चा कर रहे हो और नाम मेरा लगा रहे हो कि मैंने बोला, और मैंने जब बोला तब तुम कहीं और व्यस्त थे, अपने ही साथ व्यस्त थे। तो हाथी जब सामने था तब तुम कहीं और व्यस्त थे, अब हाथी चला गया है
तो तुम हाथी की छवि में भेड़, सियार, चूहा सब जोड़े दे रहे हो, कह रहे हो यही हाथी होता है, हमने देखा। जब उसमें व्यस्त थे, अगर मान लो आप कुछ बोल भी रहे थे, जो दूसरे में व्यस्त थे, तो वो भी पूरा नहीं देखा शायद, कुछ नहीं देखा, ना वो देखा ना सामने जो चल रहा था वो देखा। अहंकार कुछ भी अगर पूरा देख ले तो पूरे को ही देख लेगा ना, उसी से तो घबराता है, तो कुछ इधर ताक झाक करेगा, कुछ उधर ताक झाक करेगा, टुकड़ा टुकड़ा, और फिर उनको उठा करके अपने प्रयोजन की कहानी वो बुन लेगा। इसी बुद्धि बौद्धिक स्तर पे ही, और वट एवर कंडीशनिंग और जो भी बाउंड्री है, इवन इफ आई गो आउट ऑफ बाउंड्री, तो वो भी एक माइंड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही लेगा आउट ऑफ बाउंड्री भी, ऐसा नहीं है कि विच आई डोंट नो उसके बाउंड्री के बाहर रह जाए। तो फिर मुझे कभी पता कैसे चलेगा कि मैं देख रहा हूँ या ये सच है कि नहीं, तुम मैं में जो ये भी होता ताकत है। है कि तुम मन की ये सारी करतूतें, ये सारे क्रियाकलाप समझ सको। अगर मैं समझने की कोशिश भी करूंगा भी कोशिश नहीं। नहीं करनी होती है, जब शांत हो जाते हो और मन की हरकतों के साथ तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, तो अपने आप तुम उन करतूतों से अलग हो जाते हो। तुम्हारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा ना, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तब जो चल रहा होता है उससे ज़रा सा पीछे हटे हो, तुम्हें सब दिखाई देने लग जाता है। उसमें भी एनालिसिस चालू हो जाती है। वो एनालिसिस भी दिखाई देने लग जाता है। बहुत महीन होती है वो घटना। तो इसको कैसे, मतलब कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? तुम बस ये जान लो कि इस पूरी चीज का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, एक संस्कारित इकाई की उछल कूद है जिससे कुछ हासिल नहीं हो जाने वाला। फिर तुम उसमें अपना हित देखना छोड़ दोगे। अभी तुम्हें ये लगता है कि मन की उछल कूद तुम्हें कहीं पहुंचा देगी, तुम्हारा कुछ हित कर देगी, तो तुम उसके साथ संलग्न हो जाते हो, जुड़ ही जाते हो। जैसे किसी को ये भ्रम हो गया हो कि कोई बंदर बहुत बड़ा योगी है, तो बंदर जो कुछ करता हो वो बंदर के साथ साथ दोहराए चलता हो, बंदर के पीछे पीछे चला जाता हो, बंदर पेड़ पे चढ़ा वो भी चढ़ गया, बंदर ने सर खुजलाया वो भी खुजला रहा है, बंदर ने पूंछ फटकारी वो भी अपनी काल्पनिक पूंछ फटकार रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बंदर से उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, बंदर योगी है उसे भी योग की दीक्षा दे देगा। एक बार देख लो कि ये कुछ नहीं है, जैविक रूप से संस्कारित है, समाज ने भी 50 बातें बता दी हैं, उसी के अनुसार कूद फांद करता रहता है, तो तुम्हारी ये उम्मीद फिर खत्म हो जाती है कि वो तुम्हें कुछ दे देगा। तुम जान जाते हो कि इसके पास अपना ही कुछ नहीं, ये तो खुद मजबूर है, ये मुझे क्या दे देगा। तब अलग हो जाते हो, स्वयं अलग हो जाते वारी जाओ।